ड्राइवर ने राशिद खान को कहा कि वो पैसे देने के लिए डीएसपी साहब के घर पर आ जाए। तो वो जब पैसे देने गया तो पीछे से एसीबी टीम भी इस मामले की निगरानी कर रही थी। जैसे ही उसने पैसे डीएसपी साहब को पकड़ाए, पुलिस सभी दोस्तों का आज की वीडियो में स्वागत है। और ये रही अलवर जिला क्षेत्र की आज की महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स। किसान आंदोलन के समर्थन में आज बहरोड से श्रम मंत्री टीकाराम जुली और विधायक बलजीत यादव ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की साइकिल रैली को शाजापुर बॉर्डर के लिए रवाना किया। सैकड़ों युवाओं की साइकिल रैली शाजापुर बॉर्डर तक गई किसानों का समर्थन करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके सहयोग की हमें बेहद जरूरत है। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया आज शाजापुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा कुछ नेताओं के साथ भी इस मामले में डिस्कशन किया। पूर्व विधायक और मंत्री रोहिता शर्मा और भाजपा और उनके साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता आज बहरोड में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से मिलकर उनको ज्ञापन देने के लिए आए। रोहित शर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं की ज्ञापन में डिमांड यह थी कि बानसूर क्षेत्र को जिला कलेक्टर ऑफिस अलवर से निकालकर भिवाड़ी के अंतर्गत कर दिया है। अब चूंकि बानसूर कस्बे की भिवाड़ी से दूरी 140 किलोमीटर है, इसलिए जनता को वहां पर अपने कामों के लिए जाने आने में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस ज्ञापन में मांग की गई है कि उसको वापस अलवर जिला कलेक्टर के अंतर्गत किया जाए। किशनगढ़ बांस व्यापार संगठन ने गुरुवार को बाजार बंद रखने का फैसला लिया है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष तारामणि के बेटों पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था और इस हमले के पश्चात भी पुलिस अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इसलिए नाराज व्यापारिक संगठन के लोगों ने गुरुवार को विरोध स्वरूप बाजार बंद रखने का फैसला किया है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने आज अलवर से माल से भरे हुए ट्रक झारखंड के लिए जाने पर रास्ते में गायब होने के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर को ट्रांसपोर्ट के मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका एक ट्रक यहां से माल भरकर झारखंड के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसके बाद ना तो ट्रक झारखंड पहुंचा और ना ही ड्राइवर कंडक्टर से किसी तरह की कोई संपर्क हो पाया। पुलिस ने घटना को सीरियस लेते हुए कुछ टीमों का गठन किया था। अब पुलिस के हत्थे 4 लोग चढ़ गए हैं। इनके अंदर ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल है। पुलिस ने ट्रक और उसमें भरा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। इसमें पूरी तरह से खुद ट्रक का ड्राइवर और उसके कंडक्टर शामिल थे। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने आज 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि प्रीति शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो स्कूटी द्वारा एरोड्रम रोड पर जा रही थी कि रास्ते में उसको एक कॉल आ गया। वो रुककर फोन पर अपनी कॉल सुन रही थी, तभी एक ई रिक्शा में सवार 4 लोग आए और उससे मोबाइल छीन कर अपने ई रिक्शा में वहां से भाग गए। पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ई रिक्शा और वो चोरी किया हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इसमें से एक का नाम सुनील बावरिया है, वो ऊंटवाल का निवासी है और सुखदेव और संतोष ये खुद एरोड्रम रोड के ही निवासी हैं और एक है दीपक जो बीजेडी गोविंदगढ़ का निवासी है। पुलिस इनको रिमांड पर लेकर इनसे और चोरियों के बारे में सुराग लगाने में जुटी हुई है। अलवर ग्रामीण डीएसपी सफात खान और उसका ड्राइवर 3 लाख रुपयों की नकद रिश्वत लेते हुए डीएसपी साहब के घर पर ही एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना कुछ यूं है कि एसीबी ऑफिस जयपुर को 5 जनवरी को राशिद खान नाम के युवक वहां पर पहुंचा और उसने बताया कि उसके विरोधियों ने उसके खिलाफ कुछ जमीनी केस कर रखे हैं। इन केसों में गिरफ्तारी से बचने और अपना नाम कटवाने के बदले डीएसपी सफात खान के ड्राइवर ने राशिद खान से संपर्क किया और कहा कि अगर वो 13 लाख रुपए डीएसपी सफात खान और अरावली विहार थाना अधिकारी जहीर अब्बास को देता है तो इनको केसों से उसका नाम काट दिया जाएगा और उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसीबी टीम ने जाल बिछाया। उन्होंने सफात खान को राशिद खान को 3 लाख रुपए दिए
और ये 3 लाख रुपए देने के लिए उनको डीएसपी साहब से मिलने कहा गया। संपर्क करने पर ड्राइवर ने राशिद खान को कहा कि वो पैसे देने के लिए डीएसपी साहब के घर पर आ जाए। तो वो जब पैसे देने गया तो पीछे से एसीबी टीम भी इस मामले की निगरानी कर रही थी। जैसे ही उसने पैसे डीएसपी साहब को पकड़ाए, पुलिस ने धावा बोल दिया और एसीबी टीम ने रंगे हाथों डीएसपी साहब सफात खान और उसके ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तथा चूंकि वहां पर मौके पर अरावली विहार थाना अधिकारी जहीर अब्बास तो मौजूद था नहीं, लेकिन चूंकि शिकायतकर्ता राशिद खान ने उसका भी नाम लिया था, तो उस मामले में एसीबी टीम अब जांच कर रही है। अगर वो भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने आज एक कांस्टेबल को निलंबित किया। निलंबित करने का कारण ये है कि प्रशासन कोरोना वैक्सीन आने की बाद उसको लगाने की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये वैक्सीन फ्रंट लाइन योद्धाओं को लगाई जाएगी, जैसे नर्सिंग कर्मचारी या जो भी मरीजों से डील कर रहे हैं। तो उनका एक डाटा बनाने के लिए कांस्टेबलों को काम दिया गया था कि इनके नामों का डाटा बना जाए ताकि दवा आते से उस पर उनको लगा दी जाए, लेकिन इस कांस्टेबल ने वो काम करने से इनकार कर दिया। इसलिए मुरारी लाल को भिवाड़ी एसपी साहब ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की कक्षाओं को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। तथा इसके अलावा 18 जनवरी से ही कोचिंग सेंटर भी खोलने के आदेश दे दिए हैं। तथा 11 जनवरी से सभी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज आदि खोल दिए जाएंगे। आज अलवर करौली हाईवे पर एक्सीडेंट में एसएसबी का एक सिपाही नंदपाल मीणा डेथ हो गया। नंदपाल मीणा अपने परिवार से मिलने के लिए अलवर आया था और इस एक्सीडेंट में मारा गया। अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने भी इस घटना के ऊपर शोक व्यक्त किया है। तो ये थी आज की खबरें, मिलते हैं कल। जय हिंद।